ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंपनी कौन सी है जिसमें मोटरसाइकिलों का उत्पादन उनकी मांग से लगभग 23% कम है। जिसमें कह रहा है मोटरसाइकिलों के जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो मांग से कम है, लगभग कितने प्रतिशत? 23% कम है ना। तो चलिए देखिए, कंपनी सी में अगर हम देखें, देखिए कंपनी सी में देखना, जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 135, और डिमांड कितनी है, 110। 135 से 110 कितना कम हो, 135 से 110 कितना कम है, 25 कम है, कितने पर? 25 कम है कितने पर? 135 पर। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड किया 20, 5 से डिवाइड किया 27, 25 दूना 50, 500/27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कंपनी 25, 5 से डिवाइड किया तो हो गया 25 × 2 527, नीचे 27, 27 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 27 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 500/27, 5 से डिवाइड किया तो 20 आ गया, 135, 27 आ गया, 25 × 20 500, 500/27 से कंपनी सी में तो नहीं आ रहा है, कंपनी ए में इधर इधर भी नहीं आ रहा है, कंपनी इसमें देखे 140 से 125 है ना, 140 से 125 कितना कम होता है बच्चों, 15 कम होता है, कितने पर? 140 पर, इंटू 100 करेंगे है ना, तो 5 से डिवाइड किया 20, 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 20 से डिवाइड कर दो तो 5 आ जाएगा, 20 से डिवाइड किया 7, 15 अपना 75/7 करेंगे, 75/7 तब भी 23 नहीं आएगा। अब ये देख लो जरा, 120 और 95, 120 से 95 कितना कम है, 120 से 95 कम है 25, कितने पर? 120 से, इंटू 100 करेंगे है ना, तो कितना आ जाएगा, 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 25, 25 × 6 = 125, 125/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 12 = 21% के आसपास आ जाएगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर जा रहा है वो अप्रोप्रिएट आंसर क्या जा रहा है, एक और बी वाला और चेक कर लो, ये 90, ये 70 कितना कम है, 20 कम है, कितने पर? 90 पर, इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 200/9, तो 9 × 18, 2 बचा 9 × 18, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही जा रहा है ये वाला है ना, मीन्स कंपनी बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, कंपनी बी, कंपनी बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंपनी बी, ठीक है ना। ये है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ प्लस 1 + cos θ अपॉन साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 / tan θ प्लस कॉट थीटा। चले सॉल्व करते हैं, देखिए इधर का बच्चों एलसीएम क्या आ जाएगा, इधर का एलसीएम आ जाएगा 1 + cos θ, 1 + cos θ इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया है ना, ये एलसीएम आ गया तो इधर क्या बचेगा, साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cos θ का स्क्वायर आ गया है ना, ये आ जाएगा 1 + cos θ का स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 / tan θ को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको लिख पाएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही लिखा रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 + cos² θ प्लस 2 cos θ अपॉन 1 + cos θ इंटू साइन थीटा, यही आएगा ना, ठीक, एक ब्रैकेट में आ गया। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 / था है ना। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ कर लेंगे, इसको इसको
तो ये क्या बन जाएगा, वन क्या बन जाएगा बच्चों, वन ये वन लिखा है, वन प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। ये एक ब्रैकेट में आ गया, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर आ गया, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन बन गया। ये हो जाएगा आपका वन प्लस वन टू प्लस टू कॉस थीटा, टू प्लस टू कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये आ गया, इंटू ये बन जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ। अब बच्चों इधर टू कॉमन हो जाएगा, टू कॉमन लेंगे तो ये वन प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, टू वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, इंटू साइन थीटा कॉस थीटा ये हो गया। अब इससे ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, कैंसिल हो जाएगी, साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली क्या बचेगा, टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा, और टू कॉस थीटा आप देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आपने किस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझ लेते हैं, हमने यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व किया है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में जहां टेन थीटा लिखा था वहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, जहां कॉट थीटा लिखा था वहां कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया और वन अपॉन था। इसके बाद ये लिख दिया, इसके बाद ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल दिया, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा ले लिया तो ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको मिला दिया तो ये वन बन गया आइडेंटिटी के द्वारा, ये वन और ये वन, वन प्लस वन प्लस टू कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन वन। अब ये वन प्लस वन टू, टू प्लस टू कॉस थीटा हो गया, नीचे वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें टू कॉमन ले लिया तो वन प्लस कॉस थीटा हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा ये कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, टू कॉस थीटा। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो अभीष्ट आंसर है वो क्या है, टू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो चलिए अब बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज, सी एंड ए टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 32 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 24 डेज, दे वर्कड टुगेदर फॉर 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल सी एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो बच्चों, दो दो लोगों को काम एक साथ दिया है, ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए और बी काम करते हैं कितने दिन में, 16 दिनों में, ए और बी काम करते हैं 16 दिन में। फिर कह रहा है सी और ए मिलकर करते हैं 32 दिन में, सी और ए मिलकर करते हैं 32 दिन में, कितने दिन में, 32 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर करते हैं 24 डेज में। बच्चों यहां पर जो नंबर्स आ रही हैं 16, 32 और 24, इन सभी का एलसीएम लो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 96, एलसीएम कितना आ गया 96, और जो एलसीएम आ रहा है 96, ये क्या होगा, टोटल वर्क, ये क्या होता है, जो भी एलसीएम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं, क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क हमारा 96, अब जरा ध्यान से देखो, टोटल वर्क है 96, ए और बी मिलकर 16 दिन में काम करते हैं, तो 16 × 96 होता है, इट मीन्स एक दिन में कितना काम करेंगे, 6। सी और ए मिलकर 32 दिन में करते हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3। बी और सी 24 दिन में काम, तो 24 × 96 = 4। अब अगर हम सभी को ऐड करें तो देखो यहाँ पर ए कितने बार है, ए एंड ए दो बार है, बी एंड बी दो बार है, सी एंड सी दो बार है, मतलब अगर इधर को हम सबको ऐड करें तो दो बार क्या आ जाएगा, ए दो बार क्या आएगा, बी, और दो बार क्या आएगा, सी, और इधर ऐड करें तो 6 × 3 = 9, 9 × 4 = 13, 13 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा, 13/2, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी
इक्वल 13/2 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 13/2। ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 13/2। और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है? 12 डेज तक। तो 12 डेज में कितना काम कर लिया होगा? 12 डेज में जो वर्क कंप्लीट होगा वो कितना होगा? 12 डेज वर्क कितना हो जाएगा? 13/2 एक दिन में, तो 12 डेज में 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 2, 2, 6 जा 13, 6 जा 78। यही तो हुआ 78 टोटल वर्क था, 96 जिसमें 78 हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा बच्चों? रिमेनिंग वर्क जो रहेगा वो क्या रहेगा? रिमेनिंग वर्क होगा आपका 96 में से 78 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा? 18। ये 18 वर्क हमें कराना है किससे? सी से। किससे कराना है? सी से। अब सी का काम हमें नहीं पता है, एक काम करते हैं। देखिए ए बी सी का तीनों का काम है 13/2, इसमें से ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 6। अगर इसमें से हम ये 6 हटा दें तो सी का काम आ जाएगा। तो सी का जो काम आएगा वो बच्चों क्या होगा? इस 13/2 में हम ए और बी, मतलब ए और बी का जो काम है 6 वो माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 13 माइनस 2, 6 जा 12, 12 मतलब 1/2। मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है? 1/2। और काम बाकी है कितना? 18। तो 18 काम करने में कितना डेज लगेंगे? 18 को 1/2 से बच्चों क्या कर देंगे? डिवाइड, तो अपॉन का 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 18 जा क्या हो जाएगा? 36 डेज। मतलब बचे हुए काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? 36 डेज में। और 36 कहाँ पर दिया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 36 डेज। क्लियर है? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चों, समझ लो एक बार फिर से। ए और बी काम को करते हैं 16 डेज में, सी और ए करते हैं 32 डेज में, बी और सी करते हैं 24 डेज में। इन सभी नंबर्स का एलसीएम लिया जो कि आया 96। एलसीएम का मतलब सिंपली ये होता है, एक ऐसी नंबर आपको लोवेस्ट लेनी होती है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो 96 16 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, और 32 से भी डिविजिबल है। तो 96 जो आया एलसीएम, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क है 96। अब ए और बी 16 दिन में 96 काम कर रहे हैं, इट मीन्स एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे? 32 डेज में 96। तो एक दिन में कितना? 32 3 जा 96 होता है 3। बी और सी एक दिन में 4। अब अगर हम ऐड करें तो इधर ऐड करेंगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, मतलब 2 बार ए बी और सी आ गया। और इधर टोटल करेंगे तो 6 3 9 4 13 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से कितना आ गया? 13/2। मतलब हमें यह पता चल गया कि ए बी और सी सभी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 13/2। एक दिन में 13/2, और क्वेश्चन में बोला गया कि सबने मिलकर कितने दिन काम किया है? 12 डेज। तो अगर एक दिन में बच्चों 13/2 करते हैं तो 12 डेज में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 78। 96 में से 78 वर्क हो गया, तो बचा कितना होगा? 96 में 78 माइनस कर दिया 18। अब ये 18 वर्क करना है किसको? सी को। अब सी का काम कैसे निकालेंगे? देखो ए बी सी का हमें सभी का मालूम है 13/2। इसमें से ए और बी का काम हमें पता है कितना है? ए और बी कितना करते हैं? 6। तो ए और बी का ये काम 6, इसमें से 6 हटा देंगे तो सी का काम आ जाएगा। तो सी का काम क्या आ जाएगा? 13/2 माइनस 6 मतलब 1/2। मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है? 1/2। सी एक दिन में 1/2 काम करता है, और सी को काम करना है कितना? 18। तो 18 अगर काम करना है, एक दिन में 1/2 काम कर रहा है, तो 18 को 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 36 डेज। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If a cube plus b cube equal 110 and a plus b equal 5, then a plus b का होल स्क्वायर माइनस 3ab is equal to। देखो बच्चों a cube plus b cube equal दिया है 110, a plus b equal दिया है 5, then a plus b square माइनस 3ab की वैल्यू क्या होगी? देखिए a plus b का होल स्क्वायर माइनस 3ab ये है ना, चले ब्रैकेट खोलिए जरा, ये हो जाएगा a square plus b square प्लस 2ab माइनस का 3ab। ये तो हुआ कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है, माइनस का 3ab, तो माइनस का ए बी बचेगा। मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, कितने की वैल्यू चाहिए? इतने की वैल्यू चाहिए। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दिया है, इधर ए प्लस बी इक्वल दिया है, तो एक काम करते हैं
ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है आपका ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो होता है ना। अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 110, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 110 इक्वल ए प्लस बी की वैल्यू कितना गिवन है, 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये 5 अपॉन में आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 अपॉन 5, 110 अपॉन 5 मीन्स 22। और यही हमें बताना था, क्योंकि इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB जो पूछा गया था, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पर ले आए थे, मतलब ये इक्वल ये था, तो इसकी वैल्यू में चाहिए थे और यही इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 22, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बच्चों, 22। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए क्या किया गया था, हमसे पूछा गया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया है, इसके ब्रैकेट को ऑन कर लिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB, माइनस का 3 AB लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस का 2 AB, ये माइनस का 3 AB, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आ गया। मतलब हमें कुल मिलाकर इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें 110 दिया है, ए प्लस बी की वैल्यू 5 दिया, वैल्यू रखी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 22। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 22। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 - 2 sin 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cosec थीटा प्लस 10 थीटा। इसको जरा सही कर लो बच्चों, यह पर ये होगा 3 sin 2 थीटा नहीं होगा, ये होगा कि 3 - 2 sin² थीटा होगा। इसको रेक्टिफाई कर लीजिए ये, ठीक है ना। अब जरा सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है, 3 - 2 sin² थीटा -3 cos थीटा इक्वल 0, ये दिया है। पीछे कई बार इस बात का डिस्कशन हो चुका है कि जब इस तरीके से आता है तो क्वेश्चन को किसी एक फॉर्म पर ले आते हैं, तो जैसे ये sin² थीटा दिया है, इसको कॉस में चेंज कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन कॉस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2 sin² थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 - cos² थीटा माइनस का 3 cos थीटा इक्वल 0। ये क्या हो गया, 3 - 2 - 1 + 2 cos² थीटा -3 cos थीटा इक्वल क्या हो गया बच्चों, 0। इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1, ये 2 cos² थीटा -3 cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस का 1 इक्वल क्या हो गया, 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब जब ये अपने प्रॉपर वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 के ऐसे फैक्टर्स के 3 आ जाए, तो 2 1 2 होता है, 2 and 1 3 भी होता है, तो इसको लिख पाएंगे हम 2 cos² थीटा माइनस 2 cos थीटा -cos थीटा प्लस 1 इक्वल 0। अब बच्चों एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें 2 cos थीटा कॉमन हो गया, 2 cos थीटा कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, cos थीटा माइनस वन कॉमन हो गया, तो cos थीटा -1 बचेगा ना, इक्वल क्या हो गया, 0। अब पूरे में देखो cos थीटा -1 कॉमन है, cos थीटा -1 कॉमन हो गया, क्या बचा, 2 cos थीटा -1 इक्वल 0। अब आइदर दिस इक्वल 0, आइदर दिस इक्वल 0, तो देखो cos थीटा -1 इक्वल 0 करेंगे, तो cos थीटा -1 इक्वल अगर 0 करेंगे, तो इससे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और cos में 1 वैल्यू किसकी होती है, cos थीटा में 1
जो वैल्यू होती है वो कॉस जीरो की होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो डिग्री। बट कंडीशन में क्या दिया है कि जो थीटा है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब जीरो को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन में बोल रहा है थीटा की जो वैल्यू वो जीरो डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, बट 90 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन हमारे क्या पास क्या बचा, ये अभी इसको जीरो किया था, अब इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ टू कॉस थीटा माइनस वन इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे टू कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, वन। तो इससे कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, वन बाई टू, और कॉस में वन बाई टू वैल्यू किसकी होती है, 60 की, तो कॉस 60 हो गया, है ना। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये जीरो से ज़्यादा है और 90 से क्या है, कम है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो यही एक्सेप्ट होगी, इसी को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो हमसे पूछा गया था टू कॉसेक थीटा, देन टू कॉसेक थीटा, टू कॉसेक थीटा, थीटा की जगह क्या हो गया, 60 डिग्री, टू कॉसेक 60 डिग्री प्लस टेन 60, प्लस टेन 60, बस सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री बाई टू, तो कॉसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू, भाई साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन रूट थ्री, प्लस टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री, कितना हो गया, 2 जा 4 अपॉन रूट थ्री, 4 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट थ्री, है ना। तो कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री बन जाएगा, तो 4 प्लस थ्री 7, 7 अपॉन रूट थ्री, 7 अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 7 रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, तो 7 रूट थ्री अपॉन थ्री, देखिए कहाँ पर आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों क्या हो जाएगा, 7 रूट थ्री अपॉन थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 3 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल जीरो दिया है, तो जहां पर साइन स्क्वायर थीटा था वहां पर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, क्यों, क्योंकि जिससे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, पूरा का पूरा इक्वेशन है वो सेम फॉर्मेट पर आ जाए, मतलब पूरा का पूरा कॉस में बन जाएगा, तो ये फायदा होगा। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल जीरो, फिर 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो ये 1 इधर लिख दिया, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल जीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, 2 1 जा 2, 2 कैसे फैक्टर्स की बीच वाली नंबर मीन्स 3 आ जाए, तो 2 1 जा 2 होता है, 2 एंड 1 3 भी होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख पाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल जीरो। अब यहाँ पर आप देखिए दो पेयर बन जाएंगे, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, इस पेयर में बच्चों क्या कॉमन है, 2 कॉस थीटा माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा माइनस 1, अब पूरे में कॉस थीटा माइनस 1 कॉमन हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल जीरो। अब आइदर दिस इक्वल जीरो, आइदर दिस इक्वल जीरो, जब हम इसको जीरो कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल जीरो, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि कॉस जीरो की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 0 डिग्री आएगी। बट कंडीशन में क्या बोला गया है कि 0 से ज़्यादा होनी चाहिए थीटा की वैल्यू एंड 90 से कम होनी चाहिए, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वही अब आगे हमने लिख भी दिया है, एक्सेप्ट नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा, अब इसको जीरो करेंगे, नाउ 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल जीरो, तो इससे 2 cos थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 1, तो इससे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 2, और cos में 1 बाई 2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस 60 की, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है थीटा डिग्री, ये देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से क्या है, कम है, भाई 60 डिग्री क्या है, 0 डिग्री से मोर देन है बट 90 डिग्री से क्या है, कम, और यही कंडीशन लगी थी क्वेश्चन में, तो इट मीन्स ये एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी, इसको एक्सेप्ट करेंगे और इस वैल्यू के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, जो पूछा गया था 2 cosec थीटा प्लस 10 थीटा,
तो 2 cosec 60 प्लस tan 60 हो गया। अब cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 बाई रूट 3, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3। दोनों वैल्यू रखी, सॉल्व किया और लास्ट में रेशनलाइज कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 7√3/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के।